खरगोन में रामनवमी पर हुए हिंसा के बाद वास्तविक स्थिति का जायजा लेने भोपाल से अधिकारी पहुंचे, जहां अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पीड़ितों से चर्चा की और वास्तविक स्थिति जानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। खरगोन की स्थिति का जायजा लेने भोपाल से ADGP विपिन माहेश्वरी और गृह विभाग के ACS राजेश राजौरा खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचकर पीड़ितों से वास्तविक स्थिति जानी। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल तालाब चौक, संजय नगर, भातवादी मोहल्ला, सराफा बाजार में भी घटनास्थल का दौरा किया। अधिकारियों ने पीड़ितों से भी चर्चा कर उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं अधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और उन्होंने शासन से प्राप्त 1 करोड़ की सहायता राशि शीघ्र दंगा पीड़ितों को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोनों समुदाय के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर उनसे शहर में शांति स्थापित करने की बात कही। आज जो है ACS गृह विभाग और ADG सर दोनों आए हैं, जहां घटना हुआ था घटना स्थल भी जाके देखे थे और जो विक्टिम्स है पीड़ितों का घर भी जाके देखे थे और जो 1 करोड़ सहायता राशि जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको जल्द से जल्द बांटने के लिए जो है हमको निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो है सभी समुदाय के लोग के बीच में भी जो है चर्चा किए हैं, इसके बाद जो है कैसे सामान्य स्थिति जल्दी वापस लेके आने के लिए भी रणनीति बनाई गई है। अभी हमने जो सर्वे किया है उसके बाद जो है हम आपको जल्दी से बता सकते हैं, साथ चर्चा करा रहे हैं किन किन को चाहिए जो है उनके साथ जो है अलग से जो है मीटिंग है। लगभग 80 लाख का भेजे हैं, उसमें 1 करोड़ का आवंटन आया है तो हम अभी बांटे। खरगोन की स्थिति देख प्रशासन जल्द ही कर्फ्यू में छूट का समय बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खरगोन।